धार्मिक नगरी उज्जैन में सोमवती अमावस्या का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिप्रा नदी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने देश विदेश से पहुंचे हैं। मान्यता है कि आज के दिन शिप्रा नदी में स्नान दान पुण्य इत्यादि करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी कामना को पूरी करने के लिए श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। दरअसल सोमवार को सोमवती अमावस्या का पर्व देश भर में पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में भी इसकी धूम देखी गई। यहां श्रद्धालुओं ने सोमेश्वर और वट वृक्ष की आराधना कर परिवार के कल्याण की कामना की और बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए शिप्रा नदी के प्रत्येक घाटों पर उचित इंतजाम किए हैं। साथ ही तैरक दल के सदस्य भी घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। देख रहे हैं कि आज सोमवती अमावस्या है, फाल्गुनी सोमवती अमावस्या है, जो कि आज सोम तीर्थ का बड़ा नहाने का महत्व है। आज राम घाट पर भी सोमवती अमावस्या का महापर्व मनाया जा रहा है। लाखों की श्रद्धा से यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। जो श्रद्धा से शिप्रा माता में स्नान करता है और माता महने पीपल की 108 परिक्रमा लगाकर डोरे पीकर डोरा लगा करके परिक्रमा लगाती है, उनका अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और शिप्रा मैया में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण पितृदान काल सर्प योग करता, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये संयोग आया है कि जो है फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या सोमवार के दिन है, इसलिए सोमवती अमावस्या का महापर्व कहलाती है। सोमवती अमावस्या के पर्व से तात्पर्य जो भी सुहागन स्त्री पीपल के वृक्ष की आज प्रदक्षिणा करती, दान इत्यादि का सामग्रियाँ अर्पण करती है सौभाग्यवती स्त्री को, उनके सौभाग्य की रक्षा होती है और अखंड सौभाग्य का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्म की श्रद्धा की आस्था की डुबकी का पुण्य फल रामघाट पे देखा जा रहा है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हैं और आज के दिन जो है शिप्रा में धर्म आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने शरीर के व्याधि पीड़ा कष्ट निवारण की भगवान महाकाल शिप्रा के अन्य तीर्थों के जितने भी देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि आज जो सौर अमावस्या जो है ये पितृ संबंधित अमावस्या भी कहलाती है, क्योंकि फागुन मास का जो पर्व होता है ये पितरों से संबंधित कर महीना भी माना गया है। तो आज के दिन जो भी जातक पितृ का तर्पण इत्यादि या ग्रहों की शांति, ग्रहों से निश्चित कोई कार्य वो अगर करता है तो उसका निश्चित रूप से उसको पुण्य फल प्राप्त होकर उसका कल्याण होता है।